Question. question says the benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high a batsman strikes a ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer the ball starts uh, at 35 meter per second at an angle of 53 uh, degree with the horizontal द बेंचेज आर पर पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच या स्टार्ट इज एट कहतना हंड्रेड एंड टेन मीटर फ्रॉम द बैट्समैन सवाल है ऑन विच बेंच विल द बॉल हेट सो बहुत ही uh, मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और अच्छा सवाल है मुश्किल नहीं है थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी यहाँ पर ठीक है आ, तो सवाल को पहले सिचुएशन समझते हैं सिचुएशन ये है कि ये आपका क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे आपके बैट्समैन ने वन मीटर की हाइट पे एक बॉल को हिट किया है लेट्स ऐसे करके ये बॉल को हिट किया है और यहाँ पे आपकी बाउंड्री चालू हो रही है इसने यू इज़ इक्वल टू थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड पे हिट किया है बॉल को और थीटा जो है दैट इज़ 53 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आपका थीटा 53 डिग्री है यहाँ पे हिट किया है ठीक है आपकी बाउंड्री जो है वो यहाँ पे 110 मीटर से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी बेंचेज हैं वो लेट्स ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे आ, करके आपकी बेंचेज़ हैं और हमें बताना है किस बेंच पर जाके वो हिट करेगा ठीक है तो सबसे पहले तो ये चेक और वेरीफाई करते हैं कि क्या आपकी बॉल आ, ने सिक्स हिट uh, किया है आपके बैट्समैन ने सो so, इसका कहने का मतलब ये है हालांकि सिचुएशन में दिया हुआ है बट लेट्स चेक एंड वेरीफाई कि ये मान लीजिए आपकी बाउंड्री है तो गेंद अगर ऐसे 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 होके गई तो ये सिक्स ना होके फोर होएगा व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स कि इसके रेंज की वैल्यू एक मीटर से ज़्यादा आनी चाहिए अगर हार ही है तो आपका सिक्स हिट हुआ है उस रेंज का आगे कैलकुलेशन में भी काम आएगा सो एनिमेल चेक करके देख लेते हैं ठीक है so, सो यहाँ पर हम रेंज जो है उसको लिखते हैं रेंज आर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी ना यहाँ पे जब हम साइन टू थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली साइन uh, कर रहे होंगे हम दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ वन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय जी ना वन जीरो सिक्स डिग्री जो है दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड साइन तो इस केस को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और ये बात अपने को पता है हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू टवाइस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस सीटा तो ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अब हमें साइन 53 और कॉस 53 ही यूज़ करना है तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सो so, उससे आपकी रेंज की वैल्यू आ जाएगी सो विच एम्प्लाईज आपकी जो रेंज आएगी दैट विल इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 35 फाइव मल्टीप्लाइड बाय थर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टवाइसाइन फिफ्टी थ्री फोर बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट फिफ्टी थ्री दैट इज़ थ्री बाय फाइव आर डिवाइडेड बाय जी जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट लेते हैं इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है वन ट्वेंटी मीटर विच मीन्स कि आपका सिक्स तो हिट हुआ है आपकी गेंद बाउंड्री से बाहर डायरेक्ट गई है ठीक है नाउ अब इस सिचुएशन को यहाँ समझना है इसको यहाँ बनाते हैं सो so मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से आपकी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है और ये आपकी लेवल है जिस लेवल से आपने सिक्स हिट किया है उसके बाद आपकी जो बेंचेज हैं लेट से वन मीटर हाइट और वन मीटर बेर्थ की ऐसे बेंचेज़ हैं ये लेट से आपकी बेंचेस बनी हुई हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट बेंच यहाँ से यहाँ तक ये इसको अगर हिट किया तो हम कहेंगे फर्स्ट बेंच को हिट किया है तो ये आपकी ये एक बेंच है आ, ये वाली ये दूसरी बेंच है ये तीसरी बेंच है ये चौथी बेंच है एंड एंड सो एंड सो फोर नाव लेटे से हमने यहाँ पर चौथी बेंच को हिट किया है ठीक है सो आपकी गेंद ऐसे आके इस बेंच को हिट कर रही है सो so, उस केस में हम यहाँ पे सिचुएशन समझने के लिए तो फोर्थ बेंच कर रहे हैं बट इवेंचुअली इसको हम nth बेंच कहेंगे राइट सो right? so, आपने nth बेंच को हिट किया है तो उस केस में जो आपकी वाई की वैल्यू होगी तो वाई जो है आपका इस वन मीटर की ऊंचाई से आपने हिट किया है तो वन टू थ्री फोर तो वाई की वैल्यू जो है वो आपकी एन हो जाएगी ठीक है सो इक्वेशन ऑफ प्रजेक्ट्री जब लिखेंगे तो आपका वाई जो है कितनी ऊंचाई पे हिट किया है वाई की वैल्यू आपकी एन हो जाएगी ना यहाँ पे जो अपनी एक्स की वैल्यू है आ, वो हो जाएगी क्योंकि आपकी बाउंड्री 110 मीटर है सो दिस विल बी इक्वल टू हंड्रेड प्लस एन माइनस वन ठीक है सो विच एम्प्लाइज़ आपकी एक्स की वैल्यू जो होगी वन प्लस एन ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नाउ इस x और y की ये जो दो वैल्यू n की टर्म्स हैं इसको अब हम इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री में यूज करेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री अपने को पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई भी पॉइंट है x कॉमा वाई वो आपकी इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री सेटिस्फाई करता है तो उसको हम यहाँ इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर ठीक है इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे एन की टर्म में और एन से अपना आंसर आ जाएगा ठीक है सो so, uh, अभी ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी n विल भी इक्वल टू x यानी कि 109 जीरो नाइन प्लस एन टेन थीटा ना टेन थीटा हम यहाँ पे बात करें फिफ्टी थ्री के एंगल का सो दिस विल बी इक्वल टू 4 बाय थ्री वन माइनस एक्स एक्स इज़ आपका 109 ज़ीरो नाइन प्लस एन डिवाइडेड बाई रेंज आपकी 120 आ गई है ना ये जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ना इसकी जो इक्वेशन बनेगी सो दिस विल बी इक्वल टू एन विल भी इक्वल टू वन प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई फोर बाय थ्री ना यहाँ पर वन ट्वेंटी ऊपर आएगा वन ट्वेंटी माइनस वन जीरो नाइन सो दिस विल भी इलेवन माइनस नाइन डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी ना फोर से वन ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल भी थर्टी मल्टीप्लाइड बाई थ्री नाइन्टी नाइन्टी को उधर ले आते हैं सो दिस विल भी नाइन्टी एन विल भी इक्वल टू वन जीरो नाइन प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई इलेवन माइनस नाइन नाव ये इक्वेशन है जिसमें हमें एन uh, की वैल्यू uh, के लिए इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को

नाइन्टी प्लस वन जीरो नाइन सो दिस विल बी प्लस वन एट एट एन माइनस वन ज़ीरो नाइन इंटू इलेवन इक्वल टू ज़ीरो आपकी क्वाडिटी की इक्वेशन बन गई ना इसको हमें सॉल्व करना है बात अपने को पता है आ, ये जगह यूज़ कर लेते हैं सो हमें पता है ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर आपकी क्वाडिटी इक्वेशन है एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए ये आपकी वैल्यू आती है ठीक है सो उससे जब हम एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे सो दिस विल भी इक्वल टू ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है बट दिस इज़ वॉट इट इज़ ठीक है सो दिस विल भी इक्वल टू माइनस वन एट एट प्लस माइनस वन एट एट का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय एज़ वन मल्टीप्लाइड बाई ए इसका प्लस uh, ये हो जाएगा वन जीरो नाइन मल्टीप्लाइड बाई एलेवन डिवाइड बाय टू सो so, एन की जो वैल्यू आ गई माइनस वन एट एट प्लस माइनस अच्छा इसको मैंने सॉल्व सेपरेट uh, कर रखा है अपना टाइम बचाने के लिए सो दिस विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू ना एन की वैल्यू यहाँ पे अपनी नेगेटिव नहीं हो सकती है सो विच एम्प्लाईज़ दिस विल बी इक्वल टू प्लस ट्वेल्व बाई टू यानी कि जो एन है वो आपका सिक्स आ जाएगा uh, तो इसका मतलब ये कि आपकी सिक्सथ बेंच पर जाके uh, आपकी बॉल ने हिट किया है